This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है? शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है, आप सबको सी पी एम शॉपिफाई की एडवांस ट्रेनिंग के इस 23वें बैच के लेक्चर नंबर 4 में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रीवियस 3 लेक्चर में जो सिखाया समझाया वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर इस चीज़ की कंफ्यूजन है तो आप लोग चैट में पूछ सकते हो, आप लोगों को तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे इंशाल्लाह। कल आप लोगों को मैंने लेंडर बनाना सिखाया था, किसने किसने स्टार्ट किया? वालेकुम सलाम अरम, क्या हाल है आपका? ठीक हो जी? मैं लॉगिन भी आज दे देता हूँ, बिल्कुल ठीक है, मैं लॉगिन दे देता हूँ ताकि आप लोग जो है वो हाँ जी जी ताकि आप लोग जो है इसको प्रॉपरली जो है वो ट्राई कर सको कि कैसे लैंडर बनेगा। ठीक है, अच्छा, लैंडर बनाने की मजीद इम्प्रूवमेंट करके दिखाता हूँ। कल जहाँ पे छोड़ा था कंपनी पे, वहीं से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना प्ले स्टेशन की हम इमेज भी लगा सकते हैं, प्ले स्टेशन 4, इसकी हम इमेज भी लगा सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल करके PS4 है, PS4 की इमेज बना के फॉर एग्जांपल ये जो है ना, ये मैं सेव करता हूँ। मेन्यू रो 1 कॉलम इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप की मैंने यहाँ पे, और सेलेक्ट इमेज, अपलोड इमेजेस, सेलेक्ट फाइल और क्रिएट मोड ये जो है PS4 के नाम से मैं सर्च करवाता हूँ।
इस तरह ये एक मैंने अपना बनाने के लिए मैंने स्टॉप पे लगा दी। तो लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि अपना लैंडर हम किस तरह बनाते हैं अट्रैक्टिव और किस तरह उसमें इमेजेस ऐड करते हैं, कि है लोगो, डिस्क्रिप्शन, वीडियो और सीटीए बटन। अच्छा, सीटीए बटन एक दफा यहाँ पर भी अगर लगा देना तो ये एक प्लस पॉइंट होगा, तो प्लस पे क्लिक किया। ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अपना क्लिकेबल लिंक भी लगाना है, कौन सा लिंक जिसको क्लिक करके जो भी यूजर ज्वाइन करेगा हमें पैसे मिलेंगे, ठीक है। कैसे लगाना है वो मैं बता देता हूँ। सेटिंग में आके एक्शन, ओपन यूआरएल, नेम विंडो, स्ट्राइक, हमने अपना जो ऑफर का लिंक था वो लगा दिया, ठीक है। अच्छा, इसको हम मजीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं। हम अपना जो हमारा थीम है, हमारा जो बेसिकली लैंडर है, उसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड टाइप कलर वाइट है इस तरह, और इस तरह ठीक है। इस तरह अट्रैक्टिव हम बना सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ भी हम अपने लैंडर को किसी भी तरीके का बना सकते हैं। कोई भी ऑफर है आपने इस तरह लैंडर बनाना है जो मैं आप लोगों को बनाना सिखा रहा हूँ। सेव किया, एग्जिट कर दिया। सेव और एग्जिट करने के बाद अगला जो प्रोसेस है वो है इसको अपलोड कैसे करना है। ये जो डाउनलोड का बटन है ना एक्सपोर्ट, ये क्लिक करके इसकी जिप फाइल मिल गई। इसकी जिप फाइल को आपने उठाया और उसी तरह से अपलोड कर दिया जिस तरह से दूसरे लेक्चर में मैंने आप लोगों को लेंडर अपलोड करना सिखाया था। क्या आप लोगों को याद है? नहीं तो दोबारा भी करके दिखा दो। मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया लैंडर को, ठीक है। और
को सिलेक्ट करके मूव कर दिया। एक फोल्डर बना देते हैं, फोल्डर का नाम हम रख देते हैं, ये मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, इसका नाम रख देता हूँ PS4। ये हमने लैंडर अपलोड कर दिया और ये लें जी लैंडर तैयार है। अब हमने अपने जितने भी ट्रैफिक होगी ना इस लिंक पे भेजना है, अगर हमने PS4 की ऑफर को प्रमोट करना है तो ठीक है। इसमें हमने अपना क्लिक केबल लिंक भी लगा दिया, यहाँ पर भी लगा दिया इस तरह। अच्छा, जब भी आपने थीम बनाना है, थीम बनाते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है कि रेड कलर कहीं पे भी यूज नहीं करना। रेड कलर होता है खतरे की निशानी, अक्सर लोग अटेंशन ग्रैब करने के लिए बटन के ऊपर रेड कलर लगा देते हैं बैकग्राउंड, रेड कलर नहीं लगाना पहली बात। तो दूसरी बात ये कि जो ग्रीन कलर होता है ये जो है वो अच्छी निशानी होती है एक तरह से, और जो है वो पुरसकून कलर कहलाता है ग्रीन कलर। तो जैसे मैंने ये ग्रीन कलर यूज किया, ब्लू कलर यूज किया, ये ओके है ठीक है बटन के ऊपर। रेड कलर आपने कभी भी बटन के ऊपर यूज नहीं करना। अक्सर था जब आप थीम बनाते हो स्टार्ट में, लेंडर बनाते हो स्टार्ट में, तो आपको थोड़ा सा ये जो है वो जहन में आपके आ रहा होता है कि रेड कलर जो है वो जल्दी नजर आने वाला कलर है, तो मैं वो लगाता हूँ बटन के ऊपर या बैकग्राउंड पे, व्हाटएवर जो भी है। तो रेड कलर आपने हरगिज हरगिज यूज नहीं करना अपने बटन के ऊपर, ठीक हो गया। जो बटन क्लिकेबल बटन हम लगाने लगे, समझ आ गई मेरी बात की? ये हो गया लैंडर का काम कंप्लीट। फिलहाल इग्लू का आप लोगों ने 4-5 ऑफर उठा के उसका लैंडर मिल जाएगा। आप लोग मुझे शो करवाना है और अच्छा अब का जो ऑप्शन एक मिनट आप लोगों को मैं मजीद जो है वो आइडिया दे देता हूँ कि ऑफर निकालनी कैसे होती है, मतलब अच्छी ऑफर्स का कैसे पता चलता है, बाकी अच्छी ऑफर मिलती कैसे है वो तो टेस्टिंग करने से मिलती है। ऐसे नहीं होता कि मैं यहाँ पर डिटेल देख लूँ, मैं कहूँ जी ये ऑफर बहुत अच्छी है इसी को प्रमोट करो, ऐसा हरगिज हरगिज नहीं होता। गैस वर्क कुछ नहीं होता, आप टेस्टिंग करते हो रिजल्ट मिलता है तब आप आगे चलते हो, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मेरी जो प्रायोरिटी होती है जो मैं करता हूँ वो ये होता है, जैसे विंडाल रिसर्च है $1.75 दे रही है और ईमेल सबमिट की ऑफर है, ये इस तरह की ऑफर को मैं टेस्ट करता हूँ। मुझे कोई बताता नहीं है कि भाई ये वाली प्रमोट करें आप, तो मैं खुद टेस्टिंग करता हूँ, टेस्टिंग के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसकी बेस पे मैं ऑफर्स को लेके आगे चलता हूँ, समझ आ रही है जी। मेरी एक कोशिश होती है कि विन विन सिचुएशन वाली ऑफर हो जिसमें यूजर को भी फायदा हो मुझे भी फायदा हो। जैसे विंडाल रिसर्च है ये मुझे पता है कि ये रिवार्ड की ये जो है वो लोग घर बैठे पैसा कमाते हैं, ये वो वाली ऑफर है, इसकी बहुत डिमांड है ठीक है। पैसे हमें कम मिलते हैं सेकंड पेज पे, जब यूजर जाता है फॉर्म फिल करता है तो हमें पैसे मिलते हैं। 0.19 इसका EPC है जो कि बहुत अच्छा है, $1.15 ये हमें दे रही है ठीक है। तो लूना सर्वे बहुत अच्छी ऑफर है, $2 देती है। ये जो है अच्छी ऑफर, अच्छा जैसे क्रिसमस ग्रोसरीज की तरह की ऑफर है, ये इस तरह की ऑफर मैं प्रमोट करता हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह से ऑफर निकालते जाओगे, टेस्टिंग करते जाओगे,
ठीक है, टेस्टिंग करने के लिए ट्रैफिक जो आखिरी हमारा ऑप्शन है, मैंने आप लोगों को कल कहा था पेन एंड पेपर लेके आप लोगों ने नोट कर लेना है, क्या भला नेटवर्क ज्वाइन करना है, ऑफर चूज करनी है, लैंडर बनाना है और उस पर ट्रैफिक ड्राइव करनी है, आपको पैसे बनने लग जाएंगे। ठीक हो गया, अच्छा ये तो हो गया इस हिसाब। जैसे ये आईफोन के ऑफर है ना, ये इस तरह के ऑफर मैं प्रमोट करता हूँ और उसके रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि आईफोन ऑलरेडी एक वेल रिकॉग्नाइज्ड डिवाइस है, वेल रिकॉग्नाइज्ड मोबाइल है, लोग बहुत ज्यादा इसको पसंद करते हैं, तो जब इस तरह की ऑफर को उनको नजर आती है तो वो उसको अवेल करने की कोशिश करते हैं। गेट अ चांस फोन एक्स या इस तरह की जो ऑफर होती है ना उनको मैं प्रमोट करता हूँ। तो आपने भी इसी तरह से टेस्टिंग करनी जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसी तरह से आप जो है वो नेशनल ऑफर जो है वो इनमें जाके और यहाँ से आप ऑफर्स निकाल निकाल के उनको उनके लेंडर बना के प्रमोट कर, फीफा की ऑफर है इस तरह की ऑफर आप प्रमोट कर सकते हो, ऑफर निकालना है उसका लेंडर बनाना है और उसके ऊपर ट्रैफिक लेकर आनी है, आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, जो भी रिजल्ट होगा आपको पता लगने लग जाएगा। अब हम आते हैं चलते हैं अपने तीसरे और अहम स्टेप की तरफ। पहला स्टेप था सीपीएन नेटवर्क्स को ज्वाइन करना, दूसरा था अच्छी ऑफर चूज करना और उसका लैंडर बनाना, तीसरा स्टेप है ट्रैफिक ड्राइव करना। पांचवें लेक्चर के बाद, चौथे लेक्चर के बाद मोस्टली स्टूडेंट्स की अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, मगर क्योंकि मैं एकदम से सारा लेक्चर नहीं देता ट्रैफिक पे, तो वो पांचवें लेक्चर में ट्रैफिक का लेक्चर जब कंप्लीट होता है उसके बाद स्टूडेंट्स की अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। मोस्टली जो बच्चा काम करने वाला होता है, जो बच्चा लेक्चर का वेट कर रहा होता है, जो रिकॉर्डिंग ले रहा होता है, जो टेस्टिंग कर रहा होता है, जो साथ साथ इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, उसको रिजल्ट मिलता जा रहा होता है, ये तमाम बैचेस में ऐसा ही होता आया है। समझ आ रही मेरी बात की? ठीक है, अच्छा अब बेसिकली, अब बेसिकली क्या है कि ट्रैफिक ड्राइव करने के लिए हमें अच्छा जी, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है यहाँ से ट्रैफिक लाने का मेथड, फ्री ट्रैफिक का मेथड नंबर वन ये है जो आज हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। इंस्टाग्राम क्या है? इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पे यंग जनरेशन टूटी पड़ी है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है इंस्टाग्राम पे और फ्री की ट्रैफिक है, आपने प्रॉपर तरीके से काम करना है, आपने इसको ज्वाइन करना है और जैसे जैसे बताऊंगा वो सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी है, आपके सीपीए की ऑफर के लैंडर पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी।
काम कैसे स्टार्ट करना है, आपने सिंपल इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना है, instagram.com। इंस्टाग्राम वालों ने पहले क्या किया कि अकाउंट जो है वो वेब बेस्ड रजिस्ट्रेशन इन्होंने पहले स्टार्ट की हुई थी, फिर इन्होंने डिसेबल कर दी थी, अकाउंट क्रिएट नहीं होते थे इंस्टाग्राम के, फिर दोबारा इन्होंने स्टार्ट कर दी। अब आप भी इजीली इस पे साइन अप कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आपने वो ईमेल देना है जिस पे आप रेगुलर जिसको चेक करते रहते हो, अपना फुल नेम देना है, यूजर नेम देना है और पासवर्ड देना है। अब यूजर नेम जब आपने यूज करना है ना इस पे, इंस्टाग्राम पे जो यूजर नेम देना है बेसिकली, ऑफर बेस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं फॉर एग्जाम्पल मेरी ऑफर है मेक मनी, तो मैं यूजर नेम जो बनाऊंगा वैसे बनाऊंगा, मेक मनी 2K21। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं प्रमोट करने जा रहा हूँ वर्क एट होम की ऑफर। ठीक है, तो मैं ऐसे यूजर नेम बनाऊंगा, वर्क एट होम मॉम्स, एग्जाम्पल इस तरह का। ठीक है, अच्छा पहला पहला ऑप्शन है आपका ये सेलिब्रिटी, दूसरा ऑप्शन है सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रमोट करने जा रहा हूँ वेट लॉस की ऑफर, ऑफर है मेरी वेट लॉस की, मैं कोई ना कोई सेलिब्रिटी चूज करूंगा जिसको लोग वेट लॉस के हिसाब से फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। ठीक है, तो मैं ऐसे करूंगा आर्नल्ड अनऑफिशियल, मैं इस तरह का यूजर नेम बना लूंगा इंस्टाग्राम पे। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन है मेरे पास, अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही तो मैं ऐसे बनाऊंगा फॉर एग्जाम्पल फिडो डिडो, इस तरह का कोई यूजर नेम बना, कोई भी नाम से मैं इंस्टाग्राम का अपना अकाउंट बना के यूजर नेम की बात कर रहा हूँ, यूजर नेम इस तरह का चूज कर लूंगा। मैं जो काम करता हूँ मैं नीच रिलेटेड यूजर नेम चूज करता हूँ, मैं ऐसे आंखें बंद करके अकाउंट नहीं बनाता इंस्टाग्राम पे। आपने भी गलती नहीं करनी तो किसी भी नाम पे यानी कि यूजर नेम कोई भी आप रख लो, ऐसा नहीं करना, गलती ये बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, जब आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट बन जाएगा तो आपको कुछ ऐसा शो होगा। आपको इसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, प्रोफाइल कैसे लगानी है, ये डाटा कैसे ऐड करना है, क्यों क्यों ऐड करना है, वेबसाइट का लिंक कौन सा देना है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर में आप लोगों को समझ आ जाएंगी। आप लोगों ने अभी तक जो मैंने बताया उसको फॉलो करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दो में याद। मैं अपना अरहम अपना यूजर नेम पासवर्ड आपको दे देता हूँ, ठीक है, एडवर्ड मीडिया का। ओके जी, ओके।